हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, 14 तारीख को जब से भारत ने पाकिस्तानियों को पीटा है, ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तब से इतने बीमार सब हो गए हैं। दिमाग बिल्कुल, इनका दिमाग खाली हो चुका है कि अब ये अपने पिटाई, अपने घटिया खेल को तो नहीं देखते हैं। ये एक एक बहाना निकाल रहे हैं कि किस लिए ऐसा। तो उनका तो कोच जो विदेशी कोच है, वो बोल दिया कि भाई वहां तो सारे नीले टी शर्ट वाले ही थे, तो बड़ा माहौल, बड़ा खतरनाक टाइप का था माहौल। अरे भाई, कोई स्पेक्टेटर मैदान में नहीं घुस गया था ना भाई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब हिंदुस्तान में, भारत में मैच हो रहा है, तो यहाँ तो जय श्री राम के ही नारे लगेंगे, भारत माता की जय के नारे लगेंगे। और तुमको इसमें डर क्या है? अब वो इनका जो मोहम्मद रिजवान, वो भी जैसे इनके बड़े खिलाड़ी जो है ना, रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े वो रख करके अपना मुल्लागिरी शुरू कर देते हैं ना, तो इसी तरह से रिजवान भी यही करने वाला है, पक्की बात है। अब देखिए, रिजवान एक श्रीलंका खिलाफ सेंचुरी बना दिया, 130 रन बनाया, तो उसको गाजा में फिलिस्तीनी लोग को समर्पित कर रहा। भाई वो चीज तुम यहाँ वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स में क्या ले आ रहे हो तुम? अकल, थोड़ा तो अकल यूज करना चाहिए। और स्पेक्टेटर, तुम तो खिलाड़ी हो, यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में तो स्पेक्टेटर्स चिल्ला रहे थे जय श्री राम, कोई खिलाड़ी थोड़ी चिल्ला रहा था इंडिया का। और तुमको शर्म नहीं आती, एक एक बहाना निकाल रहे हो कि वहां का वीजा, अरे तुम कह रहे हो कि 5-10 हजार पाकिस्तानियों को वीजा देना चाहिए था देखने के लिए। अरे बोल चुका हूँ बार बार कि 10 हजार पाकिस्तानियों को इंडिया अगर वीजा दे देगा ना, तो ये यहाँ आने के बाद कहाँ गायब हो जाएंगे। सकल भगवान ऐसा कर दिया कि थोड़ा मिलता जुलता है, ढूंढना मुश्किल है। ये इंडिया में आके कहाँ कहाँ भाग जाएंगे, कौन ढूंढेगा इनको? फिर जो सारे आतंकवादी आ जाएंगे यहाँ पे वीजा ले लेकर के, और ISI तुम्हारा जो है वो आतंकवादियों को ही भेजेगा, दिलवाएगा वीजा। तो बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है इंडिया ने, किसी पाकिस्तानी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो तुम अब जैसे कि और किसी जगह इंडिया, अब इंडिया पाकिस्तान में बोल रहे हो, हैदराबाद में बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया था पाकिस्तान की टीम, तो हैदराबाद में कोई इंडिया के मैच था क्या? वो वहाँ, यहाँ पे तो होस्ट कंट्री का मैच था अहमदाबाद में, तो यहाँ पे होस्ट कंट्री का तो स्पेक्टेटर्स भी ज्यादा आएंगे, भीड़ भी ज्यादा आएगी, सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड का। तो तुमको ये सब कुछ पहले से नहीं पता है? इतनी बुरी तरह से हारे, इतना घटिया खेल खेला है तुम लोगों ने कि। और मेरे एक चीज समझ में नहीं आता कि जब 155 पे तीसरा विकेट गिरा, तो 155 रन पे जब 2 विकेट तुम्हारा था, तो क्या स्पेक्टेटर यही नहीं थे क्या? जय श्री राम वाले ही तो बैठे थे ना उस ग्राउंड में, तो तुमने 155 रन कैसे 2 विकेट पे बना लिया था? और जब कोलैप्स कर गए, तब बहाना ढूंढ रहे हो एक से, तो तुम्हारे तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और तुम्हारी टीम कुछ है नहीं, कुछ दम है नहीं, बहुत घटिया टीम है तुम्हारी, जबरदस्ती का बनाए हुए हुआ जो है, ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिर गए 8 विकेट तुम 36 रन के अंदर, और बातें करते हो बड़ी बड़ी, जैसे सोचते हो कि बस कोई भी वर्ल्ड कप में एशिया सिर्फ पाकिस्तान ही खेले वही चैंपियन बन जाए, बाकी टीम कोई है नहीं। तो शर्म करो, तुम लोग बहानेबाजी छोड़ो, दुनिया के भर के जो एक्सपर्ट बैठे हो ना, बहाने में अपने खिलाड़ियों को खेलना सिखाओ जो है, जो कि इंडिया के आगे थर थर कांपने लगता है ना, उनका पैर टिकता नहीं एक जगह, वो सब उनको सिखाओ, जरा हिम्मत उनके अंदर डालो। और इतनी बुरी तरह हारने के बाद बहाना वहाना मत ढूंढो। इंडिया तो तुम्हारा, तुम तो डिक्लेयर कर ही रखे हो कि इंडिया दुश्मन देश है, तुमको हार थोड़ी पहनाएगा इंडिया। तो जैसे तुम इंडिया को दुश्मन मानते हो, हम लोग भी तुमको दुश्मन मानते हैं। तो जरा होश के, बहानेबाजी छोड़ो और अपने खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दो, अपने खेल की तरफ ध्यान दो। बुरी तरह पीटे हो, अभी कोशिश करो कि आगे न अच्छे अच्छे टीमों से तुम्हारा अभी मैच होने वाला है, तो जरा उसकी तैयारी करो। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।